हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की इस रात्रि में प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम मिलकर आप सभी प्रिय भाई बहनों के साथ लाइट मिनिस्ट्री फेसबुक लाइव पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा को करने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, उनकी दासी पास्टर रेणुका डैनियल जी का, जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम उनके पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर की प्रशंसा में, परमेश्वर के दिए हुए वचनों को आपके साथ हम शेयर कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की दासी के लिए कि प्रभु ने अपनी सेवा में बहुत तरह से इस्तेमाल करें और जिस प्रकार से प्रभु ने अपनी सेवा के लिए उन्हें चुना है, उनकी सेवाएं प्रभु के लिए और भी निरंतर बढ़ती जाए। प्रेज द लॉर्ड। और धन्यवाद देते हैं आप सभी भाई बहनों का जिन्होंने ये अवसर निकाला कि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। और हम विशेष तौर से आज के समय के लिए, आज की इस रात्रि में सेशन को प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और प्रभु से प्रार्थना मांगते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर की, प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है, अपनी सामर्थ्य से भरा है पिता परमेश्वर, आपकी योजना के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार खुदावंदेश्वर राजा आपको ये भाया कि हम इस सेशन में प्रभु जी आकर आपके नाम की महिमा को कर सके। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की आज के सेशन में, इस रात्रि में खुदावंद आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं। पिता पवित्र आत्मा आपके अगुवाई चाहते हैं कि हम सभी मिलकर पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में होते हैं अपने परमेश्वर की हम दो तारीफ कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी दासी के लिए, पास्टर रेणुका डैनियल जी के लिए, कि प्रभु जी आप अपनी दासी पर बहुत से आशीष दे पिता, उन्हें अपनी सामर्थ्य से भरे, अपनी आत्मा से भरे, ताकि खुदावंद आपकी निकटता में दिन प्रतिदिन और भी बढ़ने वाली बन सके। और जबकि पिता परमेश्वर अपनी दासी को प्रभु जी आपने चुना कि उनके द्वारा पिता आपके नाम की महिमा हो सके, आपके नाम का प्रचार हो सके, पिता हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद उनके इस मिनिस्ट्री पर खुदावंद आपकी आशीष हो पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके दास के लिए मिस्टर अनुपम डेविड को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि खुदावंद ईश्वर राजा आपका पवित्र कलाम उनके द्वारा हमारे बीच में शेयर किया जाएगा। पिता परमेश्वर प्रभु हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी अपने दास को पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से भर देना खुदावन, और प्रभु जी उनके चारों ओर खुदावन ईश्वर राजा आपके लहू के बाड़े को बांधते हैं परमेश्वर, मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता, पूरे सेशन को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं और विशेष तौर से प्रभु हम सभी भाई बहनों के जीवन की प्रभुता हम आपके हाथों में देते हैं पिता। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में हम परमेश्वर की महिमा को करने पाए, प्रभु आप हमारी अगुवाई करिएगा, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे और सच में हमें दिन रात प्रभु का नाम लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। yes, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि भजन संहिता उसके 29 अध्याय में लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। थैंक यू सिस्टर। प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। वो सीढ़ी बनाने वाला मेरा यीशु है, हालेलुया। राह दिखाने वाला भी मेरा यीशु है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और सारे दुखों को दूर करने वाला मेरा खुदा है, हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता के 57 अध्याय के 11 पद में लिखा है, हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। प्रेज द लॉर्ड, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। आमीन। हालेलुया। तो आइए एक और गीत को हम परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कांग्रेस की तरह। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा करना हमारा फर्ज है। हालेलुया। हर समय उसका गुणानुवाद करते रहें कि प्रभु की महिमा और प्रभु की आराधना हम सब करते रहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुबह या शाम जिस समय मुझे और आपको अवसर मिले
उस समय मुझे और आपको क्या करना है, परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया, परमेश्वर महान है। हालेलुया, उसके तुल्य कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको इसलिए बनाया परमेश्वर ने कि मैं और आप उसकी क्या करें, आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, हर पल हर मिनट अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। सुखी करो बेशुमार के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। शत्रु का निशाना तो मुझ पर है, पर वो समझ ना हो सकेगा। वो मुझे, मेरा खुदा आंखों की पुतली के समान मुझे बचा के रखता है, उसकी नजर मुझ पर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, आंखों के पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। जीवन में आंधी आएगी, तूफान आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, और मुझे और आपको जिंदगी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी को चलाने वाला यीशु है। जिंदगी के फिक्र बन के आए, जिंदगी के फिक्र जीवन है भरोसा तेरा किधर, तेरा जीवन है भरोसा तेरा किधर। सुखी करो बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। जो तुझे मिटाना चाहेंगे पर मिटा ना सकेंगे, क्योंकि वो शस्त्र उनके काम न करेंगे मेरे प्रभु, क्योंकि मेरा रचने वाला मेरा ध्यान रखता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। आई तुझे जो मिटाने वो शस्त्र हो तुझे जो मिटाने
पर रखता है अपनी नजर। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। सच में मेरे प्रियो, चाहे जीवन में कितने आंधी तूफान आए, कितने जीवन में उतार चढ़ाव आए, चाहे कोई भी विपरीत परिस्थितियों में हम हो, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, क्योंकि उसका वायदा है मेरे प्रियो, ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। मनुष्य थोड़े समय के लिए आपसे वायदा करता है, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर हमसे संसार के अंत तक का वायदा करता है कि ना तो मुझे छोड़ेगा और ना ही वो त्यागेगा। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे, और उससे पहले अपने हृदय को हम तैयार करें। अब बारी है हमारी परमेश्वर की आवाज को सुनने की। हमने अपनी आवाज परमेश्वर तक पहुँचाई है, लेकिन मेरे प्रियो अब समय है कि हम परमेश्वर की सुंदर आवाज को सुन सकें कि आज पिता हमसे क्या बात करने जा रहा है। ताकि अपने हृदय को हम तैयार करें और प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गोबे मुझे संवारे, रूहे कला में खुदावन गोदे मुझे सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। मेरी जा को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जा को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदावन मुझे छू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए, और परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी क्या कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया। मेरा और आपका काम क्या है कि मैं और आप परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें। हालेलुया। और मैं और आप इस बात का ध्यान रखें कि मैं और आप जब परमेश्वर की महिमा करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभुवार है और हम प्रभुवार में उसकी मंडली में ना जाना चाहते हो। हालेलुया। हम मनुष्य जो हैं, खुदा ने मुझसे और आपसे तो बहुत मोहब्बत की मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, इतनी मोहब्बत करी जिसका कोई जवाब नहीं। हालेलुया, जी हाँ। लेकिन
मैं और आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं और आप उससे कितना प्यार करते हैं, मैं और आप कहीं उसकी सेवा के लिए बहाने तो नहीं बनाता, कहीं मैं बहाने तो नहीं बनाती, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु आज मैं बहुत बिजी हूँ, आज उससे विनती नहीं कर सकती या कर सकता, प्रभु मेरे पास आज मैं मुझे जल्दी आज मुझे ऑफिस का बहुत काम है, प्रभु मैं आज ये नहीं कर सकती, मैं ये वो नहीं कर सकता या कर सकती। क्यों? कभी आपने और मैंने इस बात को सोचा है कि कभी मैंने और आपने अगर जैसे मैं और आप बहाने बनाते हैं, कहीं परमेश्वर ने अगर ऐसा कर दिया तो मैं और आप क्या करेंगे? प्रेज द लॉर्ड, आज इसी विषय पर मनन करना है। हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद हम वचन में चलते। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते खुदा तेरे रहम की, तेरी मोहब्बत और तेरे प्यार के लिए जो तूने हमसे किया। खुदावन अब तक तूने हमें संभाला है प्रभु, ये तेरी मोहब्बत है, तेरा प्यार है, तेरी करुणा और तेरी दया है कि जीवन मिला है और ये सांसें मिली हैं। खुदावन तेरी नजर में हम खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे, प्रभु अपने जीवन को हमें खरा और शुद्ध करना है। प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु, प्यारे पिता परमेश्वर, तूने अब तक सुबह से लेकर अब तक इस रात्रि तक संभाला है और तूने अवसर दिया कि लाइट मिनिस्ट्री पास्टर रेणुका डेनियल सिस्टर, हमारी अजीज बहन, प्रभु आपने उनके मन में डाला कि मुझे वो अवसर दें। प्रभु मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर तेरी करुणा तेरी दया मुझ पर बनी है, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। खुदावन हम तो बजने वाले एक इंस्ट्रूमेंट है प्रभु, बजाना तेरा हाथ पे, हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे प्रेम के लिए मैं तेरे को धन्यवाद देता हूं प्रभु। मुझे और तूने अपनी बेटी मिसेस शबनम डेविड को अब तक संभाला है प्रभु, और अपनी सेवा के लिए मेरे खुदा तूने इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु ये अवसर दिया है तूने कि तेरी महिमा हम लाइट मिनिस्ट्री पेज पर कर सकें, जो कि सिस्टर पास्टर रेणुका डेनियल सिस्टर का पेज है, और ये अवसर तूने दिया कि प्रभु तेरी इस पेज पर हम तेरी आराधना तेरी महिमा कर सकें। प्रभु हम घटे और तू बड़े हमारे जीवन से प्रभु, एक एक प्यारे भाई बहन को जो इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, पिता परमेश्वर मैं आपके चरणों में उनके जीवन को सौंप देता हूं प्रभु। ईमानदारी के साथ विश्वास के साथ तेरे प्यार को महसूस कर सके खुदावन, जितने भी लोग आज इस रात्रि में प्रचार कर रहे हैं प्रभु, हर प्रचारक हर एक प्रभु के सेवक को, हर एक सेविका को प्रभु तेरे हाथों में सौंप दो। तूने प्रभु ने सामर्थ्य दी कि वो तेरी महिमा तेरी आराधना कर सके प्रभु, एक एक जन के लिए पूरी दुनिया में जहां तेरा प्रचार हो रहा है, तेरा सुसमाचार फैलाया जा रहा है, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। सब पर दया कीजिए मेरे खुदा, सब पर दया कीजिए, मुझ जैसे अदना व्यक्ति को तो इस्तेमाल करता है प्रभु, तेरा धन्यवाद। इस पेज के संचालकों को और इस पेज से जुड़े हुए लोगों को, जितने भी संस्था से लोग जुड़े हैं, यीशु मसीह में आपके नाम से मैं ब्लेस करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ये घटे और तू इनके जीवन से दिखाई दे प्रभु, तू इनके जीवन से दिखाई दे, लाइट मिनिस्ट्री पेज नहीं बल्कि तू उससे दिखाई दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं तेरी दया और प्रभु, एक एक लोग जो इससे जुड़े हुए प्रभु, पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय इस अवसर के लिए जो सिस्टर के द्वारा मुझे दिया गया, और जैसे मैंने अभी शुरुआत में जब बात करी वो बात ये करी कि मैं और आप बहाने बनाते, क्यों, क्या कभी
ऐसा हुआ हो कि प्रभु बहाने गा दे आपकी आवाज को ना सुने तो क्या करेंगे आप, परेशान हो जाते हैं। आप अपने बच्चों की जब बातों को नहीं सुनते, बच्चों की आवाज को नहीं सुनते तो क्या होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, मां मम्मी पापा हमारी बात ही नहीं सुन रहे आप, हमारी बात ही नहीं सुन रहे। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदा बहुत मोहब्बत करता है, उसके मोहब्बत का इनकार नहीं करना है कभी भी। उससे उसने जो जीवन दिया है, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए दिया है, तो ऐसे नहीं दिया है, हालेलुया। उसकी मोहब्बत है, उसका प्रेम है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 22वां पद निकालेंगे और उसमें लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 22वां पद, हालेलुया। अब उन्हें उसके पाप के लिए कोई बहाना नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे अंदर बड़ी गंदी आदत है कि हम लोग बहाने बनाते हैं। प्रभु पूरे सप्ताह भर तो तू हमें काम करने का मुंह देते। लिखा है मिसेस शबनम डेविड ने आयत डाली है, 22वां पद डाला है, 15वां अध्याय यूहन्ना का, यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप करने पाप के लिए कोई बहाना नहीं, हालेलुया। मेरे और आपके अंदर बड़ी गंदी आदत है कि मैं और आप बहाने करते हैं, प्रभु देख सोमवार से लेकर शनिवार तक हम बहुत काम करते हैं, सैटरडे तक थक जाते हैं, प्रभु तो क्षमा कर दे, इतवार को हम चर्च नहीं जा पाते, रविवार को चर्च नहीं जा पाते। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, जान लीजिए कि अगर आपने रविवार के दिन या प्रभुवार के दिन की महत्ता को नहीं समझा तो आपके जीवन में बहुत से रुकावटें, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी तकलीफें भी हो सकती। उसके समय जो प्रभु का वार है, उस वार के दिन आपको और मुझे उसकी पवित्र हैकल में जाना, मंडली के रूप में मंडली के साथ प्रार्थना और विनती करना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई बहाना नहीं कि प्रभु मैं सप्ताह भर थक गया या थक गई। मेरे प्रियो मेरे अजीजो, प्रभु के काम के लिए थक गए, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे अगर आपने प्रभु की सेवा में गुजार दिए या प्रभु की महिमा में गुजार दिए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो सांस रोक दे 1 मिनट में तो ये शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और कुछ भी करने लायक नहीं रहे, हालेलुया। अगर परमेश्वर का पीड़ा आपने लिया अपने कांधे पर तो उसे आप पीछे नहीं हट सकते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के दिन की महत्ता आपको और मुझे देनी है, उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि प्रभु आज मुझे कपड़े धोने, मेरे बहुत कपड़े, प्रभु मैंने पूरे सप्ताह बड़ा काम किया, मैं यहां गया मैं वहां गई और बहुत काम किया, मैं थक गई, अभी सिनेमा हॉल में जाने के लिए बोल दो तो पूरी रीति से सिनेमा में जाने के लिए तैयार है। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लेट के कमरे में टीवी देखते हैं, तमाम दुनिया की उल्टी सीधी गंदी बातों को देखते। अगर यही समय आपने और मैंने परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया है या प्रभु के वचन को पढ़ने में समय निकाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन बहुत आशीष देगा मेरे को। अब वचन में चलेंगे, अब उन्हें पाप करने के लिए कोई बहाना नहीं, मेरा और आपका बहाना नहीं चलेगा मेरे प्रियो। आज प्रभु बोझ नहीं होगा इसलिए मैं नहीं जा रहा ना, या मैं नहीं जा रही, क्यों? आज
पादरी साहब चर्च में नहीं बोलेंगे, कोई और लीडर बोलेंगे या कोई और बोलेगा, इसलिए नहीं जाना। प्रभु का वचन ही सुना रहे हैं, कोई और चीज तो नहीं सुना रहे। तो मेरे प्रियो, प्रभु के दिन की महत्ता को, प्रभु के कामों की महत्ता को दुआ कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। लेट जाते हैं, सो जाए, सो गए, कोई बहाने, इतने बहाने मनुष्य के पास हैं कि हम बता नहीं सकते, इतने ढेर बहाने हैं। और लगातार मनुष्य बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने, बहाने बहाने कर रहा है। बहाना बनाना बहुत से लोगों की मेरे प्रियो आदत बन गई है, वो आदत में शामिल हैं। आज बहुत बीमार हूं सर, मैं आज नहीं आ सकता, और लेटे घर में, ठीक है, बहाना बना दिया। बच्चे स्कूल जाने के लिए माँ बाप से बहाना बनाते, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है, आज मैं नहीं चल सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं। क्या हम जानते हैं कि बहाने का मतलब है झूठ? कितनी बार हम बहाना बनाते हैं, उतनी बार समझ लीजिए कि मैं और आप झूठ बोलते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 8 पद, और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 15 पद कहता है, बहाने का मतलब झूठ है, और सब झूठों का भाग नरक की झील में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब झूठों का भाग नरक की आग में है। हालेलुया। एक व्यक्ति था, हम देखते हैं ना कि आपके और मेरे घरों में लोग आते रहते हैं और सामान भी बेचते हैं ऐसे ही। और मिसेस डेविड ने डाला है कि 8वां पद डाला है, 22:8, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। और 15वां पद कहता है, पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा स्वर्ग से। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो लोग डरपोक हैं, विश्वास में कमजोर हैं और घिनौने और गंदे काम करते हैं, हत्यारे हैं, व्यभिचारी हैं, परमेश्वर व्यभिचार से छिड़ता है, खुदा का कलम बताता है, और टोना करने वाले यानी जादू टोना करने वाले और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। मेरे प्रियो, 8वां पद कह देता है, सोच लीजिए कि हम जो जो काम कर रहे हैं वो हम कहां पर ले जा रहे हैं हमको। प्रेज द लॉर्ड। और 15वां पद कहता है, 22:15, पर कुत्ते, अब कुत्ते स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसका यहां पर अर्थ है कि जो व्यक्तियों की आदत कुत्तों की तरह है, यानी व्यभिचारी लोग हैं, वो कुत्तों के व्यभिचार की आदत हम जानते हैं ना, वो सड़क पे कहीं भी किसी भी जहां पर भी, कुत्ते, कुत्ते में स्वर्ग में जाने का मतलब नहीं है। यहां पर जो व्यक्ति की जिस व्यक्ति की आदत कुत्ते के समान है, यहां पर इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो, कुत्ते के समान प्रवृत्ति है, वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता। और कुत्ते का हम जानते हैं, बाकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कुत्ते की आदत क्या होती है। उसके सामने कोई रिश्ता नहीं है, कहीं भी नहीं है, कैसी भी जगह पर नहीं है। और टोने, जो जादू टोना करते हैं लोग, जो गंदे ताबीज बनाते हैं, गंदे ताबीज पर विश्वास करते हैं, वो बांधते हैं, काले धागे बांधते हैं, बहुत से लोग हैं हमारे विश्वासियों में भी जो इस तरीके की प्रवृत्ति के, वे विचारी
परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करता है, ऐसे लोग हत्यारों से, मूर्ति पूजकों से और हर एक झूठ का चाहने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। कहां से? स्वर्ग से। प्रेज द लॉर्ड, ये सब स्वर्ग से बाहर रहेंगे। और मैं बता रहा था कि एक साबुन बेचने वाला एक साबुन बेच रहा था और अपने साबुन की बड़ी तारीफ कर रहा था, अरे भाई मेरा बड़ा बढ़िया साबुन है और इस साबुन को मैं लगाओगे और कपड़े धोगे तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। और किसी ने उससे कहा, उसको जब देखा तो उसके कपड़े तो गंदे थे। भाई तुम ये कह रहे हो और तुम्हारे गंदे कपड़े इतने गंदे? तो उसने कहा कि मेरे पास साबुन तो बहुत है, सब कुछ बहुत है, मैं कर सकता हूं साफ, पर मेरे पास टाइम नहीं। आज मनुष्य की भी यही हालत है कि उसके पास टाइम नहीं। क्यों नहीं है टाइम? जो परमेश्वर आपको सांसें दे रहा है, जो परमेश्वर आपको जीवन दे रहा है, जो परमेश्वर आपको नौकरी दे रहा है, जिस परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, जिस परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, जिस परिवार परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए, क्या आपके पास उसके लिए समय नहीं? क्यों माने? मेरे प्रियो, अगर इसी घड़ी इसी पल अगर परमेश्वर अपने सांस खींच ले, हालेलुया, क्या हो, क्या होगा, क्या होगा? तुरंत मेरा और आपका शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और कोई ताकत नहीं, सब कुछ खत्म। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर को समय देना है, परमेश्वर के साथ चलना है। कोई बहाना मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए। बहाने का मतलब है झूठ। हालेलुया, बहाने का मतलब है झूठ। और उसका उस व्यक्ति का कहानी सुनाने का मतलब है ये है, मैं बताना चाहता हूं कि उसने भी ये बहाना बनाया कि समय नहीं है। क्यों नहीं है? घर तो जाता था ना, वो समय था उसके पास, लेकिन नहीं। यही प्रवृत्ति हमारी है कि हम लोग प्रभुवार पर परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, नहीं आज मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं चर्च नहीं जा सकता। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को देखता है, तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता। प्रचार करूंगा तो बिना सूट के नहीं कर पाऊंगा, बिना टाई के नहीं कर पाऊंगा। क्यों? परमेश्वर आपके हृदय को देखता, आपके कपड़ों को नहीं, आपके मन को देखता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं देख रहा, आपके मन को देख रहा है कि आपके मन में उसके प्रति कितना प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय की बात करते हैं मेरे प्रियो, समय परमेश्वर मुझे और आपको पूरा दे रहा है, सबको देता है 24 घंटे। ये नहीं कि मुझे 24 दिए, आपको 23 दिए, आपको 20 दिए, नहीं, सबको 24 घंटे बराबर देता है। लेकिन इंसान के अंदर एक प्रॉब्लम है, इंसान का ये है कि जिस काम करने की उसकी इच्छा होती है वही काम करना वो चाहता है, वरना बहाने बना देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदम को हम जानते हैं कि आदम को परमेश्वर की इच्छा को मानना नहीं था, उसका मन नहीं था इस परमेश्वर की इच्छा को मानने का, उसने नहीं माना। और इसने उसने बहाना बना दिया कि ये पत्नी जो तूने मुझे दी है ना, इसने मुझे फल खिला दिया। और आज्ञा किसे मिली थी? आदम को आज्ञा मिली थी। हालेलुया, आदम पहले बनाया गया, हवा बाद में बनाई। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने बहाना बना दिया कि ये पत्नी जो तूने मुझे दी है ना, इसने मुझे खिला दिया। अब्राहम का सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं कि वो अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए ले जाने के लिए तैयार था। परमेश्वर उसे आगे दी कि तू अपने बेटे को लेके मारे जाओ उस पहाड़ पर। उस पहाड़ पर लेकर जा, चाहता तो अब्राहम भी क्या करता, उस परमेश्वर के आज्ञा को टाल देता, अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। परमेश्वर ने जैसे हो गया आज्ञा दी,
प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तुझे अपने बेटे को बलिदान करने के लिए वहां ले जाना है और बेटे को लेकर चल दिया, वहां उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा। यहां तो हमारे बात अपनी पत्नी से पूछ के करते हैं, क्या मैं ये कर लू, क्या मैं ऐसा कर लू, क्या मैं वो कर लू। हालेलुया। अगर वो तैयार ना होता अपने बलिदान करने के लिए, अपने बेटे को मना कर देता और कह देता कि परमेश्वर मेरी पत्नी की इच्छा नहीं है, मेरी तो इकलौती संतान है, प्रभु इतने सालों बाद तूने ये बच्चा दिया है मुझे, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा, प्रेज द लॉर्ड, और लेके अपने बेटे इसहाक को चल दिया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा प्रभु मेरी पत्नी मेरे से क्या कहेगी, ये पत्नी का ही, हम दोनों का ही तो बेटा है ये। हालेलुया, हम दोनों का बेटा है। उसने कोई बहाना नहीं बनाया, लेकिन अब्राहम की इच्छा परमेश्वर की बातों को मानने की थी, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने की थी, इसलिए उसने कोई बहाना नहीं बनाया। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, कोई बहाना नहीं बनाया। चल दिया, काठी कसी, गधे को लिया, बेटे को लिया, लकड़ी बांधी और चल दिया। इस विषय में उसने अपनी पत्नी से कोई बात नहीं करी। और यही सब करने से, जो कि वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति इब्राहिम था, इसीलिए वो विश्वासियों का पिता बना। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और इसके 1 से 18 पद में सारा जिक्र दिया गया मेरे प्रिय। और वो विश्वासियों का पिता बन गया इब्राहिम। हम सब कौन है? विश्वासी है। और हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। आज हमारा विश्वास ही सबसे ज्यादा कमजोर है। प्रभु के कलाम को पढ़ते और विश्वास नहीं करते। वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित वचन है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो जीवित वचन है। क्यों नहीं चलते उसके ऊपर, क्यों नहीं उस पर विश्वास करते? सबसे बड़ी कमी हम मसीहों के अंदर यह है कि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जीवित कलाम पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। यहां पर अब्राहिम ने विश्वास किया और चल दिया। हालेलुया। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तीतुस की किताब उसका 1 अध्याय और 13 पद कहता है, हमारा विश्वास, तीतुस 1:13 कहते हैं कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम विश्वास में बड़े कमजोर हैं। हम रास्ते में जा रहे हैं अंधेरे के अंदर और जबूर 23 बोलते चले जा रहे हैं। हालेलुया। और क्या होता, डरते भी जा रहे हैं और बोलते भी जा रहे हैं, तो हमारा विश्वास कमजोर है ना। और लिखा है 1:13 में तीतुस के, ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। हालेलुया। कड़ाई से चेतावनी देनी है एक दूसरे को, परिवार में यह बताना है कि नहीं तुम्हें विश्वास करना है। हालेलुया। मैं और आप विश्वास में कमजोर, सबसे बड़ी कमी यह है। जीवित कलाम मेरे पास, आपके पास, विश्वास नहीं कर रहे। प्रभु आपको गाइड करता है, प्रभु आपको बताता है, लेकिन प्रभु की उस धीमी आवाज को मैं और आप सुनते ही नहीं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये हम पेज चलाते हैं, हम विश्वास करते हैं कि बहुत से जगहों पर ये बीज बोया जा रहा है, जहां हम नहीं पहुंच पा रहे, खुदा इंटरनेट के द्वारा ये बीज बो रहा है, ये हम विश्वास करते हैं। मेरी एक भाई से बात हो रही थी, मैंने कहा आपने सर ये बहुत अच्छा पेज बनाया, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो मुझसे एक बात कही उन्होंने, उन्होंने कहा अरे बस काम चल रहा है। हालेलुया। बट टाइम
टाइम हम टाइम पास कर रहे हैं, परमेश्वर का कलाम टाइम पास करने के लिए आपके पास, दुख की बात है। मैं और आप जी हमारी सिस्टर पेज चला रहे हैं, ऐसे नहीं, हमारा भी पेज चलता है। अगर मसीह मंडली विश्वास करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु जितने भी प्रभु के दास और दासियां आते हैं, प्रभु तेरी ओर से चुने हुए, वो तूने आशीष दे, जो वचन वो बोलते हैं वो तेरी वाणी हो, उनकी वाणी नहीं बल्कि तेरी वाणी हो, और जहां भी ये बीज बोया जाता है ये 1000% फलवंत हो। ये नहीं कि हम समय काट रहे, पेज के हम समय काटने के लिए चला रहे, नहीं नहीं, नहीं। दुख की बात है, मेरे दिल को मेरे मन को बेधित कर दिया उस बात से। ये कोई तमाशा नहीं है या कोई मदारी का खेल नहीं है जो दिखा रहे हैं हम लोग। बहुत जिम्मेदारी है परमेश्वर की, बहुत बड़ी बात है ये पेज जो चल रहे हैं, और इन पेज पे जो सुसमाचार सुनाने वाले बेटे और बेटियां आ रहे हैं प्रभु के, वो ऐसे नहीं आ रहे। ये नहीं कि आगरा मसीह मंडली पेज चल रहा है या लाइट मिनिस्ट्री पेज में पास्टर रेणुका डेलिन का नाम हो रहा है, कोई फायदा नहीं, कोई नाम नहीं। महिमा परमेश्वर की है और सबसे ऊंचा नाम यीशु मसीह का है। आगरा मसीह मंडली पेज कुछ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ऊपर है उस पर, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर प्रेम हमारा जो परमेश्वर है वो ऊपर है। जबूर 121 क्या कहता है, मेरी आंखें चट्टान की ओर है, चट्टान कौन है, यीशु मसीह है मेरा। विश्वास करते हैं कि हमारा चट्टान यीशु मसीह है, हालेलुया। वो दो व्यक्तियों ने मकान बनाया, बेसकाई पे रखा, रेत पर एक ने रखा, चट्टान पर, चट्टान कौन है, वो यीशु मसीह। विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में, यीशु मसीह मेरी चट्टान है, हालेलुया। समय काट रहे हैं, समय नहीं, ये सब बेकार की बातें बहाने हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई विजित सेमल, सेमल साहब जय मसीह की, हालेलुया। मैं आपका स्वागत करता हूं सेशन में, हालेलुया। लाइट मिनिस्ट्री पेज पर आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा और आपका जीवन है, कैसे बहाने बनाते हैं मेरे प्रियो। हम सब विश्वासी और विश्वास पर चलने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं हमारा जीवन चल रहा। अभी देखा था कोविड फैला था, क्या हुआ था, सांसों के लिए तरस रहे थे, सांसों के लिए लोग तरस रहे थे। वो परमेश्वर ने जो ऑक्सीजन खींची, परमेश्वर ने ऑक्सीजन दी, अगर वो ऑक्सीजन देखते ना, हम ऑक्सीजन नहीं दे, क्या हालत होगी थी लोगों की। और परमेश्वर मुझे और आपको फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, क्या विश्वास की। सिलेंडर 1000 रुपए के सिलेंडर लोगों ने खरीदे और रख लिए स्टॉक करके। लेकिन मेरे प्रियो मेरे अजीजो, परमेश्वर पर विश्वास करिए, परमेश्वर जीवन देने वाला, वो फ्री में दे रहा हर चीज। उसने आदम के लिए भी सारी चीजें फ्री में रखी, लेकिन आदम ने उसकी आज्ञा को तोड़ के बहाना बनाकर सब कुछ खत्म कर दिया। हालेलुया। क्यों हम ऐसे, अगर परमेश्वर अपने कानों को बंद कर दे और देखना बंद कर दे हमारे जीवन को। वो कह रहा है कि मैं, तू गर्भ में था, तू पदार्थ के रूप में रचा जा रहा था उस समय मां के गर्भ में, कि तेरे हाथ पैर आंखों को बढ़ते हुए देखा मैंने, मेरा चित तेरे पे लगा हुआ है। और मेरा चित कहां लगा हुआ है, दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में, ऐसा जीवन गुजार रहे हैं, बहाने 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 कि बस प्रभु अब थक गए बहुत, आज तेरी सेवा नहीं कर पा। धन्यवाद देते हैं, किसी ने हमसे कहा, जब भी मैं गवाही इसलिए देना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि गवाही हमारे देने से दूसरों को प्रेरणा मिलती है, दूसरों को सामर्थ्य मिलती है, दूसरों को हिम्मत मिलती है, हालेलुया। और सॉरी, विश्वास में बढ़ोतरी होती है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं।
डेली डिवोशन परमेश्वर ने हमें मन में डाला, मेरी पत्नी और मेरे मन में डेली डिवोशन के डाला। रात को 10 से 10:30 बजे हम बिना नागा के 1 जून 2021 से कर रहे हैं। और रोज हमारे साथ प्रभु के दास और दासियां, बेटे और बेटियां जुड़ते हैं। मेरे प्रियो, चाहे मैं किसी पार्टी में हूं, चाहे मैं किसी प्रोग्राम में हूं, चाहे मैं किसी शादी में हूं, चाहे मैं रास्ते में हूं, हम वहीं से प्रचार करते हैं। इसलिए कि सारी महिमा परमेश्वर को मिले, जो 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 वायदा परमेश्वर से किया है बहाने नहीं मारने। अरे प्रभु, हम तो शादी में आज कैसे करेंगे, प्रभु आज हम तो बर्थडे में आज कैसे करेंगे, रोज होते हैं ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन करना है, क्योंकि वाचा मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से बांधी है, परमेश्वर से ये वाचा परमेश्वर से बांधी है आपने और मैंने। ये पेज जो चल रहे हैं ना, ये पेज आपने, मैंने और आपने परमेश्वर से वाचा बांधी है, मनुष्यों से वाचा नहीं बांधी। कि प्रभु तेरे प्रभु आपके दास और दासियों को लेकर के हम इस पे आएंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि प्रभु के वचन को लेके आप आइए। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज इतने भाई बहनों को खड़ा कर दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें बहाना नहीं बना। मसीह के लिए हमको दुख उठाना है, हमें कोई बहाना नहीं बनाना। आज्ञा मानने में दुख होता है इसलिए लोग बहाना बनाते, आज्ञा मानने में दुख होता है इसलिए तो बहाना बनाते हैं मनुष्य। हालेलुया। पहला पत्रस 1:15-16 पहला पत्रस 1:15-16 कहता है हमको पवित्र बनना है, ये परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए है। क्योंकि वो पवित्र है इसलिए मुझे और आपको पवित्र बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती 8:48 कहता है कि जैसे हमारा पिता सिद्ध है वैसे हमको सिद्ध होना है। हालेलुया, सिद्ध है। सिद्ध तो वहीं से टूट गया जब विश्वास ही नहीं कर रहे, तो वो बहाना मार दिया, बहाना कर दिया। हमें अपने मन को शुद्ध रखना मेरे प्रियो। मैं प्रभु में इनसे बहुत प्यार करता हूं, और जैसे उसकी पीठ पुड़ी, अरे ये तो बड़ा बेकार व्यक्ति है, बड़ा बेकार, कैसा प्रेम, क्यों 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 ऐसा कर रहे हैं। मेरे और आपको अपने मन को शुद्ध रखना है, और जो अपने मन को शुद्ध रखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5:5 कहता है जो मन को शुद्ध रखेंगे, मत्ती 5:8 वो परमेश्वर को देखेंगे। आपके मन की शुद्धता आपको परमेश्वर को दिखाएगी। हालेलुया, किसी और को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और अगर मेरा और आपका मन शुद्ध नहीं है तो समझ लीजिए 100% नर्क का रास्ता खुला है, और वहां पर मैं और आप नरक में उसको देखेंगे, शैतान को। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग हैं हमारे साथ काम करने वाले, आपके साथ काम करने वाले, जो मन से शुद्ध नहीं है। वो आपको दिखाते तो है तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, अरे मैं तुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं, और सबसे ज्यादा उसी से नफरत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा और आपका मन कैसा है मेरे प्रियो, कैसा है? अगर आपका और मेरा मन साफ है तो सच कहता हूं आप धन्य लोग हैं, धन्य लोग हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि आपका मन कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मन को साफ करने के लिए यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहाया गया था उसे मांगना है मुझे और आपको, कि प्रभु मुझे अपने लहू से शुद्ध कर मेरे पिता।
प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर लहू बहा दिया मेरे लिए। पवित्र लहू उसके हाथों में कीले ठोकी गई, उसके पैरों में कीले ठोकी गई, सर पर कांटों का ताज बनाया गया, उसकी छाती में भाला भोंका गया। हालेलुया, क्या किया, क्या किया। उसका लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है मेरे प्रभु। अवसर देता है परमेश्वर, मौका देता है कि मुझे और आपको अपने जीवन को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ गुजारना है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मुझे और आपको यीशु मसीह के नजदीक रहना है, यीशु मसीह से प्रेम करना है और यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और उसके आज्ञा पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मेरे और आपके जीवन में मौका है मेरे प्रियो। जब तक मैं और आप जीवित हैं, जब तक आप और मैं जीवित हैं, संसार में हैं, तब तक मेरे प्रयास और आपके पास मौका है कि मैं और आप प्रायश्चित करें। ये समय है स्वर्ग जाने के लिए। मुझे और आपको क्या होना है, तैयार होना, और कहां पर, इसी पृथ्वी पर रहकर अपने आप को तैयार करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, मां के पेट में बच्चा कितने महीने में बनता है, 9 माह के अंदर तैयार होता है, 9 महीने में तैयार। और उसके बाद इस संसार में क्या होता है, उसका जन्म होता है और उसका हाथ पैर, उसका मुंह नाक कान दिल सब मां के पेट में विकसित होते हैं। और इसके बाद वो जन्म ले लेता है दुनिया में। लेकिन अगर कोई बच्चा या तो एक आंख नहीं है या अंधा पैदा हुआ है, तो वो जिंदगी भर कैसा रहेगा, अंधा ही रहेगा। हालेलुया जी, वो जिंदगी भर अंधा रहेगा, क्योंकि वो उसकी आंखें कहां बननी चाहिए थी, मां के गर्भ में बननी चाहिए थी। इस संसार में आके उसकी कोई आंख नहीं बन सकती, वो अंधा ही रहेगा, जिंदगी भर अंधा रहेगा, क्योंकि जहां उसकी आंखें बननी चाहिए थी वहां नहीं बनी। इसी तरह अगर हम संसार में रहते हुए पवित्र नहीं हुए, तो मेरे प्रियो फिर हमारे पास अवसर नहीं है। मृत्यु के बाद तो 100% नरक में जाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार कहां है, इस पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस 2:10, बस अंत में हम चल रहे हैं। मरकुस 2:10 कहता है, क्योंकि समय भी 9 बजे का हो गया और हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को हमारे गुनाह क्षमा करने का अधिकार स्वर्ग में नहीं है, नरक में है। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार, करने का भी अधिकार है, उसने झोले के मारे हुए से कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, साबित करता है मेरा और आपका परमेश्वर अपनी सब बातों को साबित करता है। पर मैं और आप तो विश्वास करते नहीं, बहाने बना लेते हैं। प्रभु यार तेरे पास नहीं आ सकता, तुझसे विनती नहीं कर सकता, प्रभु मैं बहुत थक गया हूं, प्रभु मैं कैसे करूं। प्रभु ने अवसर दिया है मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर रहते हुए पश्चाताप करना है, कोई बहाना नहीं चले, ये अवसर दिया परमेश्वर। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, परमेश्वर ने वचन शेयर करने का मुझे अवसर दिया। मैं धन्यवाद देता हूं सिस्टर रेणुका, पास्टर रेणुका, डेनियल सिस्टर का, यह अवसर उनकी ओर से मुझे मिला, परमेश्वर ने उनके हृदय में डाला मेरे लिए कि मैं उनके पेज पर आकर के प्रभु की महिमा कर सकूं। सो मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सिस्टर रेणुका डेनियल का मैं धन्यवाद देता हूं। और आइए हम एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे इस सुंदर अवसर का जो आपने हमें दिया है कि लाइट मिनिस्ट्री पेज पर तेरे वचन को लेके आ सके। खुदावन
क्योंकि सच्चाई ये है कि हमें कोई बहाना नहीं बनाना है। जब तेरी सेवा का अवसर मिले, जब तेरी महिमा करने का अवसर मिले, जब तेरी सुसमाचार सुनाने का अवसर मिले, उसी वक्त हमें करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने ये अवसर हमें दिया, स्वस्थ रखा, अच्छा रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस लाइट मिनिस्ट्री के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, इस पेज के लिए, इस पर आने वाले हर एक प्रचारक के लिए, और बहन रेणुका डेनियल सिस्टर के लिए और उनके परिवार के लिए, जितने भी लोग उस परिवार में रहते हैं, हरेक को, उनकी मिनिस्ट्री के साथ जितने जुड़े लोग हैं, उन सबके लिए प्रभु सबको आशीषित करना, प्रभु अपनी दया करना। मुझ जैसे व्यक्ति को और मेरी पत्नी को प्रभु तूने इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तो जर्रा मात्र है प्रभु, कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन तेरे वचन में सामर्थ्य, और तूने मुझ जैसे हम जैसे लोगों को संभाला, इसके लिए तेरा धन्यवाद। कोई सामर्थ्य नहीं हमारे अंदर, पर तेरी महिमा करने का तूने अधिकार हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते। तेरी स्तुति करने का अधिकार तूने दिया प्रभु, धन्यवाद। प्रभु अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक प्रभु तेरे विश्वासी बने रहे और तेरी सेवा करते रहे। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर, आपने लिखा है गॉड ब्लेस यू, मैंने वो रिसीव कर लिया, मैं रिसीव करता हूँ इस बात को। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, खुदावन आप सबको भी बहुत इस्तेमाल करे और अपनी सेवा में लगे, सेवा में लेके रखे, और बहुत ऐसे प्रभु की सेवा में आप सब लगे रहे इस मिनिस्ट्री के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।